ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट इन व्यू ऑफ हिज एग्जाम्पलरी प्रोफेशन वर्ल्ड वाइड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनवाइट डॉक्टर शकील टू पाकिस्तान in September 2020 and lead the Punjab Abhi Park Authority to save people from waterborne diseases and help in better water management. To improve access safe drinking water. Thank you, sir. I request Dr. Sheila Khan, please come. Bismillahir Rahmanir Rahim. सबसे पहले तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का शुक्रगुजार हूँ कि फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्हाटएवर प्रेजेंटेशन आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर एज ए नॉलेज शेयरिंग. और मैं थोड़ा सा ये बताते चलूँ कि बिफोर जॉइनिंग पंजाब आबे पाक अथॉरिटी आई हैड वर्क विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर 20 ईयर्स एंड देन Asian Infrastructure Investment Bank in China for another 5 years. So working for almost over 25 years with the multi development banks in 18 countries. So there had been so much to learn in worldwide, okay, what's happening in terms of improving water, water resources, water supply and sanitation, good practices globally. जो है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और एक्सेस को इंक्रीज करने के लिए रूरल अर्बन एरियाज में. तो जो कुछ इश्यूज ऐसे कॉमन ऑब्जर्व हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज में वेयर वी कैन सी दैट दे कैन इजीली बी अप्लाइड हियर. और हम उन लेसन्स को जो हमने लर्न किए दूसरे मुल्कों में और अपने मुल्क के अंदर के भी बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स हैं तो उनको सारों को कंसोलिडेट करके एक छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है. ऑल्दो इसमें इतने ऐसे टॉपिक हैं कि वो इटसेल्फ दे वुड लाइक अ सेपरेट सेशन अगर हम बात करें तो, क्योंकि एवरी डे देर इज सम रिसर्च गोइंग ऑन, कोई इनोवेशंस इमर्ज हो रही हैं और अगर हम उनको देखते चलें तो देर आर सो इंटरेस्टिंग एरियाज कमिंग आउट ऑफ दोज यू नो जो एक मैक्रो और माइक्रो लेवल पे. So let me have a quick 3 minute ki ek video hai that will give some overview of Abhi Park Authority very minutely. But I think agar aap chahe to there is a website of Abhi Park .com wo bhi aap kisi waqt dekh sakte hain. So Abhi Park ka ek chhota sa general sa ek wo hai ke वाटर क्वालिटी से रिलेटेड इस वक्त क्या इश्यूज हैं और आगे क्या हो रहा है. तो लेकिन लेकिन जो जनरल मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर 3 की एरियाज हैं जो कि वी विल डिस्कस. एक ओवरऑल जो वाटर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं और वाटर वाटर की एक्सेस से अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं और वाटर क्वालिटी से रिलेटेड है. तो इंशाल्लाह आई थिंक यू विल लाइक इट. और आई वुड लाइक टू स्क्वीज माय प्रेजेंटेशन इन अबाउट 30 मिनट्स और फिर उसके बाद अनदर 30 मिनट्स आई वुड लव टू आंसर योर एनी ऑफ द क्वेरी आंसर्स जो कि आपसे कोई भी हो, मामूली क्वेश्चन भी हो. यू डोंट फील शाई टू आस्क मी. दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. सो ये एक वाटर क्वालिटी से है, जरा इसको चलाइएगा.
जब तक ये लॉजिस्टिक्स हो रही हैं, लेट मी आल्सो इंट्रोड्यूस यू के आबे पाक अथॉरिटी क्यों और कब बनाई गई थी। ये इसका एक्ट पास हुआ था 2019 में और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पाकिस्तान के जितने भी पंजाब के जितने एरियाज हैं मोस्टली रूरल एंड अर्बन, वहाँ पे पानी की एक्सेस को इंक्रीज किया जाए, पानी की क्वालिटी को ठीक किया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ सुमैरा मिर्सा। क्या आप जानते हैं कि जो पानी आप पी रहे हैं ये आपके लिए संगीन मर्ज और नागहानी मौत का सबब बन सकता है? क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन है अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में आलूदा या फिर गंदा पानी पी रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदा पानी पीने से कौन कौन से अमराज लाहक हो सकते हैं और आलूदा पानी इंसानी जिंदगी के लिए कैसे तबाही साबित हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत से संगीन अमराज और नागहानी अमवात की एक बहुत बड़ी वजह आलूदा पानी है, जिसे पीने से लोग पेट, जिल्द, जिगर और दीगर मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं। ये पानी में फ्लोराइड की बढ़ती हुई मकदार के सबब लाहक होती है। आलूदा पानी के सबब जोड़ों का दर्द और रीढ़ की हड्डी के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा आंखों और जिल्द के बहुत से मसाइल का भी आलूदा पानी से ताल्लुक है। पाकिस्तान में डायरिया और गैस्ट्रो के सालाना 10 करोड़ केसेस होते हैं। ये दोनों अमराज छोटे बच्चों, बूढ़ों, दिल और गुर्दे के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अस्पतालों में 40% अमवात की वजह आलूदा पानी ही है। आलूदा पानी पोलियो वायरस के फैलाने का अहम तरीन जरिया है। मालियाती लिहाज से मुल्क को गंदे पानी से होने वाले अमराज और दीगर मसाइल की वजह से सालाना 112 अरब रुपए, जबकि सेहत की खराबी और आमदनी में कमी से रोजाना 30 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। दोस्तों, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80% बीमारियां आलूदा पानी की वजह से जन्म लेती हैं और उनमें 40% बच्चों की अमवात जिनकी उम्रें 5 साल से कम है वो भी इसी आलूदा पानी की वजह से ही होती हैं। जरासीमी बीमारियां बिलखसूस आंतों की सोजिश, कब्ज और बवासीर फैलने का सबसे बड़ा जरिया गंदा पानी है। दोस्तों, बदकिस्मती से माजी में पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने अपने शहरियों को साफ और महफूज पानी की तरसील के लिए कोई संजीदा इकदामात नहीं किए। तरजीहात में ही नहीं रहा ये मामला। साफ पानी के मंसूबे हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं रहे। अगर किसी दौर में शुरू भी हुए तो वो करप्शन की नजर हो गए। लेकिन अब पहली बार पंजाब भर में साफ और महफूज पानी की तरसील को यकीनी बनाने के लिए आबे पाक अथॉरिटी हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रही है। आबे पाक अथॉरिटी पंजाब के दही इलाके, कस्बों और शहरों में बड़े पैमाने पर साफ और शफाफ पानी की फराहमी के लिए मरकज आब बना रही है, जहां 24 घंटे साफ और शफाफ पानी की फराहमी होगी। आबे पाक अथॉरिटी के इनकलाबी काम, शफाफियत और माहिर क़यादत से मुतासिर होकर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर की नामवर फलाही तंजीमें, एनजीओस और मुखय्यर हजरात भी आबे पाक अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करने में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। फलाही तंजीमों, एनजीओस और मुखय्यर हजरात के तआवुन से आबे पाक अथॉरिटी 2022 के आखिर तक 1.5 करोड़ मुतासर आबादी को साफ और महफूज पानी की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए हमतन कोशां है। इसकी जो प्रेजेंटेशन है इसमें क्विकली मैं बताता चलूं कि पहला पार्ट होगा सिचुएशन एनालिसिस ड्रिंकिंग वाटर इन पंजाब। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हु इज डूइंग व्हाट
और क्या रूरल वाटर्स में प्रॉब्लम्स हैं और इवन अर्बन में क्या इश्यूज हैं क्वालिटी के हिसाब से और पानी की अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट की चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस क्या हैं जो के होने चाहिए और उनमें से कौन से हो रहे हैं और क्या ओवरऑल कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग हमारे मुल्क में जरा काम की एक उस पेस से नहीं होना होना हो रहा जिस तरह से होना चाहिए. सो नेक्स्ट चलिए सिचुएशन जो नेक्स्ट इससे पहले रूरल और जो सेमी अर्बन और बिग सिटीज की सिचुएशन ये है कि जो प्लानिंग एंड डिजाइन जो है तीनों दोनों अगर आप रूरल और सेमी अर्बन या छोटे शहरों को देखें तो वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का रोल है उसके अंदर. और जो बड़े पांच शहर हैं पंजाब के उसमें वासाज बनी हुई हैं जैसे लाहौर गुजरांवाला मुल्तान ये सारे. और देन वी टॉक अबाउट दी उसकी एग्जीक्यूशन जो डिजाइनिंग के बाद प्लानिंग के बाद तो रूरल एरियाज में जो है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है एग्जीक्यूट कर लेती है और फिर वो उसके बाद सीबीओस को हवाले कर दिया उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए इन मैनी केसेस. लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ पे सीबीओस नहीं पाई गई जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खुद ही उनको चला रही है. और उसमें जो है वो प्रॉब्लम हुई है जो मैं अभी आपको बताया था कि ऑपरेशन मेंटेनेंस जहाँ पे भी नहीं होगी चीज़ें गल सड़ जाएंगी. तो छोटे शहरों में जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस है वो लोकल गवर्नमेंट के हवाले कर दी जाती है. ये छोटे छोटे शहर हैं जैसे साहिवाल है मियाँ चन्नू है ये सारे कुछ है. और जैसे मैंने अभी बताया कि वासा इज डूइंग ऑल थ्री फंक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन टू डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन टू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. जैसे आपने लाहौर में देखा है कि लाहौर में उसकी बहुत आई थिंक वासा लाहौर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आई वुड से द ओनली लार्जेस्ट वासा इन पंजाब. नेक्स्ट जाए जो ग्राउंड वाटर की सिचुएशन है वो इस तरह से है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी इस वक्त ग्राउंड वाटर की 43 MAF है जो ग्राउंड वाटर है. और आपको ये भी पता होगा कि 90% ऑफ द वाटर बीइंग यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वो सारा का सारा ग्राउंड वाटर से आ रहा है. हमारे पास जो है बहुत ही रेयर ऐसे सिचुएशंस ये हैं कि जहाँ पे हमें सरफेस वाटर से कोई सप्लीमेंट करना पड़े. और अब चूंकि डिमांड ज़्यादा है ऊपर से क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं तो ये जो 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 डिफरेंस है क्योंकि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं 45 MAF और 43 उसके अंदर जो है वो ऑलरेडी इनफ्लो है. तो ये तो एक फिगर है कुछ 2-3-4 साल पहले की. लेकिन अब चूँ चूँ वक़्त गुजरता जा रहा है आपने देखा होगा कि एक बड़ा एक इलेक्ट्रिक किस्म का एक साइकिल है फॉर क्लाइमेट चेंज का. कभी बारिशें होती हैं तो कभी बिल्कुल नहीं होती. और जो रिप्लेनिशमेंट है जो एक्वीफर्स की फ्रॉम द रेन वाटर दैट इज नॉट एट पार विद व्हाट इट शुड बी. एक तो पूरी अर्बनाइजेशन हो रही है आप देख रहे हैं कि जो सारे एरियाज हैं जमीनें कवर हो रही हैं सारा सीमेंटेड हो रहे हैं बिकॉज देयर इज हॉरिजॉन्टल अर्बन ग्रोथ नॉट अ वर्टिकल. तो उसकी वजह से हम लोग कैप करते जा रहे हैं और वही एरियाज वही जमीन वही सरफेस वही सॉइल जिस जो पानी से पानी को परकुलेट करके कंट्रीब्यूट करती थी एक्वीफर्स को वहां पे हमने रोक दिया है. जबकि मैं आगे आऊंगा कि दूसरे मुल्कों ने क्या किया है कि उन्होंने जब अपनी वर्टिकल ग्रोथ पे भी जोर दिया और हॉरिजॉन्टल को कैप करते हुए उनकी पॉलिसीज बन गई हैं कि जो आदमी जहां पे भी घर या ऑफिस बनेगा तो वो उसमें एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी और पानी जमीन के अंदर जाएगा. ये बांग्लादेश द लेटेस्ट एग्जाम्पल. और बाकी मैं आपको सारे मुल्कों में एक गिनती करवा सकता हूँ कि वहाँ पे वो शेयर जो रेन वाटर का जमीन में जाना था किसी की कंस्ट्रक्शन करने से उसके ऊपर अभी तक यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप यू आर मैंडेटेड टू मेक सच अरेंजमेंट अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डेवलप योर हाउसिंग सोसाइटी. तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा. नेक्स्ट चलें. अब हम लोग अगर इस पे देखें थोड़ा एक आपके पास ग्राफ है जिसमें ग्राउंड वाटर जो क्वालिटी है उसके आप डिफरेंसेस देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. पहला 11% है वो जो बरानी एरियाज हैं जो पोठोहार के हैं
तो वहाँ पे कोई ज्यादा चेंज नहीं आई क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल इतनी वो नहीं थी। लेकिन अगर आप नेक्स्ट पे आए स्वीट ग्राउंड वाटर, आप ये देखें कि वहाँ पे 42% से 58% जो है पानी की क्वालिटी इम्पेक्ट हुई है। इसी तरह आप ब्रैकिश में देख लें, इसी तरह आप जो है वो सेलाइन ग्राउंड वाटर का देख लें, और आगे जो है वाटर स्कार्सिटी है जो वाटर स्कार्स एरियाज हैं। तो नेक्स्ट चले, तो एक नेक्स्ट अगर इसको मैं फर्दर समराइज करूं तो आप सामने देखेंगे कि जो प्रीडोमिनेंटली जो ब्रैकिश एरिया है वो रूरल में वो 32.76% है, which means के 1/3 of the rural population has been you know taking water which is totally brackish, और आप मतलब कड़वा पानी मैं कहूँगा। फैसलाबाद आप चले जाएं और साउथ पंजाब चले जाएं, राजनपुर देख लें, भावल नगर देख लें, जहाँ पे TDS जो है वो 4000 से भी ऊपर है। तो ये एक एक बहुत ही बड़ा एक कहना चाहिए हमारे लिए चैलेंज है कि जिसको हमने एड्रेस करना है। तो बाकी की भी परसेंटेज आप देख लें कि रूरल ये जो अर्बन एरियाज तकरीबन 40% जो है वहाँ पे मिक्स्ड है, कहीं पे साफ पानी स्वीट पानी मिलेगा, कहीं पे आपको है उसमें कंटेमिनेशन होगी, कहीं पे वो ब्रैकिश होगा। तो ये सारी आपके सामने फिगर है और आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि कितने परसेंट ऑफ द एरिया यू कैन फाइंड कि वो मिक्स्ड है या उसके अंदर जो स्वीट वाटर है। I'm not trying to scare you, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि हर जगह ही बुरा पानी अवेलेबल है। थोड़ा सा एक और भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक हमारा पब्लिक जो माइंड सेट है वो ये बन चुका है कि जहाँ पर हम अपने घरों में भी डर रहे होते हैं कि पब्लिक वाटर सप्लाई को हम लोग यूज ना करें क्योंकि वो खराब है, तो वो एक ट्रस्ट लेवल भी खत्म हो गया। उसकी भी रीजन हम क्विकली डिस्कस करते हैं और उसकी रेमिडी भी आपसे आई थिंक वी कैन शेयर। नेक्स्ट चले। तो चैलेंजेस हमारे पास इस वक्त जो है वो ये है कि जो अर्बन रूरल डिवाइड है उसमें मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एजेंसी बना रही है, दूसरी जो है वो ऑपरेट कर रही है, और लोगों से बहुत कम जो है कंसल्टेशन होती है कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। आया वो जो स्कीमें बन रही हैं वाटर सप्लाई की वो आया वो नीड बेस्ड हैं, वो डिमांड बेस्ड हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। तो वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ स्कीम्स विच वर कंस्ट्रक्टेड इन द पास्ट दे वर नॉट यू नो सस्टेनेबल, बिकॉज लोगों को चाहिए नहीं था एक पॉलिटिकल वो एक वो था माइलेज लोगों ने ले लिवा के उसको बनवा दिया और उसके बाद नहीं था, या जिस वक्त वो बनी है उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस को अप बिल्कुल नहीं देखा गया। कोई मुल्क में मैं आपको नहीं बता सकता एक्सेप्ट इंडिया, बांग्लादेश, हमारा जो ये जो रीजन है कि अगर आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, चाइना में देख लें, आप इवन फार ईस्ट में देख लें, मलेशिया में देख लें, तो देर आर हंड्रेड ऑफ एग्जाम्पल्स। इवन आप साउथ अमेरिका में चले जाएँ जो डिफरेंट हमारे किस्म की इन्वायरमेंट है, वहाँ पर भी people do not go forward until unless they have the surety that the operation maintenance arrangements are in place. और वो चीज जो अब हम आबे पाक में लाना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर मैंडेट उन्होंने दिया हुआ है, PC1 अप्रूव किया था कि 1500 फिल्ट्रेशन प्लांट ऑन द नीड बेस्ड लोकेशंस पे बनानी है, तो वी टुक अ स्टैंड, वी से ओके थैंक यू वेरी मच, हम लोग 1200 बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर कहाँ पे नीड है। अगर नीड के साथ साथ हमें ये देखना है कि उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस कैसे होगी, उसका क्या बिजनेस मॉडल है जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग कल को नहीं भी होंगे तो हमारे अगले जो हमारी जगह पे आएंगे या हमारी अगली जनरेशन आएगी वो देखेगी कि वो तो चल रहे हैं। तो ये वाला चीज जो है ये इतना इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि मेरे ख्याल में हमारा कोई सेक्टर हो, चाहे वो रोड हो, एनर्जी हो, कुछ भी हो, अपना इरिगेशन में चले जाएं, अंटिल वी हैव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इन प्लेस, फंड्स हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्व है, लोग एजुकेटेड हैं जो कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो देन आई थिंक वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट चले, हाँ एक मिनट पीछे, दूसरा जो पार्ट है वो है वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस। आपने ये देखा होगा कि जहाँ पे सिस्टम बने हुए हैं उसमें कॉस्ट रिकवरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता,
तो पूरी रिलायंस अगर हम लोग हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर करेंगे तो इतनी हमारी अमीर गवर्नमेंट नहीं है और कहीं पे भी फ्री जो है सब्सिडाइज चीजें फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं चलती। आप अभी देख रहे हैं, मैं सिर्फ पानी के हवाले से अपने आप को कंस्ट्रेंट कर रहा हूँ कि हम लोग खुशी से 250 और 300 रुपए की नेस्ले की 20 लीटर की वो जो बॉटल ले लेते हैं जो हम डिस्पेंसर के ऊपर रखते हैं, लेकिन अगर कोई हमें कहे कि जी 100 रुपए आपने जो है वो उस अथॉरिटी को या हाउसिंग सोसाइटी को या अपने किसी सर्विस प्रोवाइडर को देने हैं, तो जनरली पब्लिक विल से वेल ये तो गवर्नमेंट का काम है, हम क्यों पैसे दें। तो एक माइंड सेट उस तरह का जो है जो कॉस्ट रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स द बिगेस्ट आई वुड से एक अनफॉर्चुनेट एक डिलेमा है। बट आई वुड से कि अगेन वी शुड नॉट बी वरीड एंड डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ जब तक हम लोगों के साथ एक डायलॉग नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे कि ठीक है अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते चाहे आप 50 रुपए करें। तो इवन मैं अभी आपको मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको इतनी एग्जाम्पल दूँ, हमारे पाकिस्तान में अलखिदमत है मुस्लिम एड्स है मुस्लिम एक मुख्तलिफ डिफरेंट एनजीओज हैं जो कि इस्लामिक एड है, ये लोग जो पानी की स्कीमें डेवलप करते हैं तो ये 1 रुपया लीटर जो है वो बेचते हैं पानी। अब सोचिए 1 रुपया लीटर कुछ भी नहीं है, 20 रुपए का वो जो है वो हम 250 का लेते हैं और पानी की क्वालिटी भी A1 होती है। तो इस तरह की जो पब्लिक सेक्टर में या एनजीओ बेस्ड जो वाटर सप्लाई स्कीमें हैं या फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको हम उन एरियाज में उस फोकस से चलाएं, लोगों को माइंड सेट दें तो वो देखें अगर वहाँ पे नीड है तो दे विल बी ऑलवेज विलिंग टू पे फॉर दिस। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है वीक सेक्टर गवर्नेंस। तो आपने देखा होगा कि आई डोंट ब्लेम एनी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट क्योंकि फिर मेरे लिए मसला हो सकता है, लेकिन आप जनरली देखें कि कुछ एरिया कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे या इवन सेंटर लेवल पे वहाँ पे गवर्नर्स का फुकदान है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। जो प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो फाइनेंशियल जो इसकी जो मिस मैनेजमेंट है तो उसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, उसका बड़ा ही आसान तरीका है कोई ना कोई वहाँ पे एक जो है वो अकाउंटेबिलिटी का एक एलिमेंट हो जहाँ पे एक स्ट्रिक्ट उसकी जो कंप्लायंस हो चेक हो। और मैं खुशी से आपको बताता हूँ कि प्लानिंग कमीशन इस वक्त बहुत ही रिग्रेसली इसके ऊपर काम कर रहा है एंड लकीली आई एम पार्ट ऑफ द कन्वीनर हूँ गवर्निंग उसकी एडवाइजरी बॉडी का जो प्लानिंग कमीशन ने बनाई हुई है। सो वी आर ओनली पिकिंग अप 2 or 3 मेन एरियाज जहाँ पे देर इज ए पोटेंशियल फॉर करप्शन और उसको हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उन 3 एरियाज के ऊपर फुल टाइम काम करके ऐसे सिस्टम्स को इन प्लेस किया जाए जिसमें वो लोग जिन्होंने मिसमैनेज करना है, जिन्होंने प्रोक्योरमेंट में अपने पैसे बनाने हैं तो उनके उनके उनको रोका जाए, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए और उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। और हमने डेमोंस्ट्रेट कर दिया है आबे पाक अथॉरिटी में, इस वक्त तक आप कोई आके देखें 1 रुपए की करप्शन अगर कोई हो तो आप हमें बता दें, ना नेवर, ना प्रोक्योरमेंट में है ना किसी के चेक रुके हुए हैं। द मोमेंट इंजीनियर यू नो वैलिडेट करता है अगले दिन चेक बन जाता है, कोई बंदा रोक के नहीं बैठा हुआ कि मुझे इतने परसेंट दोगे तो मैं फिर आगे दूंगा। वी हैव टोल्ड देम कि कोई भी आदमी साइट पे हो या शहर के अपना इधर हेडक्वार्टर में हो दूसरा चांस नहीं मिलेगा। एंड दिस वाज वन ऑफ द 2 थिंग्स व्हिच आई टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर, गिव मी फ्री हैंड्स, मैंने किसी को दूसरा चांस नहीं देना। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस वक्त तक एक ये नीट एंड क्लीन जो पब्लिक एक एजेंसी है वो काम कर रही है, हमें सबको फख्र है उसके ऊपर। अच्छा, अगला एरिया में आपसे लास्ट जो है वो ह्यूमन कैपेसिटी की जो डेवलपमेंट है फ्रॉम द वाटर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे यहाँ जो लोगों की सिलेक्शंस और उनकी जो एक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो एक बिग क्वेश्चन मार्क है। अच्छे लोग हैं, ये नहीं है क्योंकि सारा का सारा 80% अच्छे लोग होंगे, 20% जो है वो सिफारशी भी आ जाएंगे। तो जब वो आते हैं तो जाहिर है कि उनके अंदर इतनी स्किल्स नहीं होती,
या फिर जो हमारे अपने इंजीनियर फ्रेश होके आते हैं उनके लिए कुछ ट्रेनिंग के कोई एवेन्यूज होने चाहिए ताकि वो आके उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो, उनको एक नई से नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर अवेयरनेस दी जाए। अभी हम सुबह बैठे हुए बात कर रहे थे कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, अभी एक साइंटिस्ट हमारे आए हुए हैं, पाकिस्तानी है माशाल्लाह, और वो होपफुली नेक्स्ट फ्राइडे उनका एक लेक्चर है हमारे उधर, और आप भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आरओ प्लांट्स हैं उनकी जो फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन है उसकी चेंजिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 साल बाद होती है, तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया लगता है हर प्लांट के ऊपर। तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, एक ऐसा मटीरियल और एसिड किया है कि वो उस मेम्ब्रेन को आपको 3 साल में चेंज नहीं करना पड़ेगा, 12 साल में करना पड़ेगा। और वो सऊदी अरेबिया में पिछले कई सालों 40 सालों से वो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो अब वो इधर आए कोविड के बाद और ही इज नाउ वॉलंटेरियली डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क, अपने पैसों से भी और अपने इल्म से भी कर रहे हैं। तो इस तरह के जो मैं बात ये कर रहा था कि जो एक हमारे पास इनोवेशन आ रही है हर जगह से, तो हम उसको कंसोलिडेट करके आप अपने इंजीनियर्स को बताएं, उनके लिए कोई मॉड्यूल्स बनाएं, उनको इन पर्सन बुलाएं, उनके साथ हम लोग आजकल तो ये जूम का जमाना है तो हम उनको जूम के ऊपर जो है उनकी एक कैपेसिटी बिल्ड, ये भी एक बहुत बड़ा सबका है, बहुत बड़ी खिदमत है कौम के लिए। आपके अंदर जितने भी लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और जो जूम के ऊपर भी हैं, प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस of anything you would like के आपके तवस्सुल से हम लोग अपने जो है न्यू जनरेशन को उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करें और उनके अंदर हम लोग वो चीज लेके आए। नेक्स्ट चले, अब हमने करना क्या? देखिए 3 एरियाज हैं जो कि मैं आपसे थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ कि एक जो पहला है वो है वाटर क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि जो है वो तो ठीक हो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमने ये देखना होगा कि जो पानी की जो क्वालिटी को जो जो चीज खराब कर रही है उसकी रूट कॉजेस क्या है, उसकी क्या वजह, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। अगर हम उसको नहीं करेंगे और वैसे ही फिल्टर प्लांट बनाते चलें या वाटर सप्लाई की स्कीमें बनाते चलें, मेरे ख्याल में वो सिंपली ज़ियान है, बिकॉज वो आपकी सोर्स तो खराब हो रही है ना, जहाँ से आप पानी ले रहे हैं। अफर्ज किया कि आप किसी कनाल से पानी ले रहे हैं और उसको ट्रीट करके आप सिस्टम में ऐड करते हैं, अगर कनाल ही इतनी पॉल्यूटेड हो तो आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली आप ग्राउंड वाटर, यू लेट द ग्राउंड वाटर टू कंटेमिनेट, अगर आप वहाँ पे वेस्ट वाटर की कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, वो आहिस्ता 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 पानी जो है वो परकुलेट होके, या आपके घरों के बाहर जितने सेप्टिक टैंक्स बने होते हैं, इस तरह की जितनी वाटर बॉडीज हैं जो कि कंटेमिनेटेड हैं, जिसमें जो है ह्यूमन वेस्ट और सारा शामिल होता है, सूवेज शामिल होता है, या सूवेज की लाइनें हैं जो कि लीक हो रही हैं वो जमीन के अंदर आपके ग्राउंड वाटर को, देयर आर सो मेनी सोर्सेज दैट आर कॉजिंग प्रॉब्लम टू योर ग्राउंड वाटर क्वालिटी। और वही हम लोग पानी जो है अगर हम अपने इंडिविजुअल बोर्स लगा के लेते हैं शैलो, तो वो ऑब्वियसली आपके सेहत को खराब करेगा। जैसे मैंने शायद अभी बताया है कि 80% ऑफ द टोटल डिजीजेज, टोटल मैं कह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी वजह से हो, वो सिर्फ पानी की वजह से है। पानी के मतलब वाटर बोर्न डिजीजेज का जो शेयर है वो 80% है हमारे टोटल्स में। अगर हम इसी को सॉल्व कर लें, जैसे वो छोटी सी वीडियो में था, हम लोग करोड़ों का जो है वो बजट बचा सकते हैं जो कि हम हेल्थ सेक्टर को दे रहे हैं। हम लोग लोगों की सेहत को ठीक करेंगे तो उनका वो जो टाइम वेस्ट होता है बीइंग सिक एंड नॉट गोइंग टू वर्क एंड नॉट अर्निंग एनीथिंग, या स्कूल की एनरोलमेंट है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं बिकॉज दे आर सिक। अभी मैं रिसेंटली मुजफ्फरगढ़ होके आया हूँ, तो वो लोग कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कुछ तकरीबन 3,500 से लेके 4,500 तक का जो है वहाँ पे TDS है। और आप सोचें उस पानी को तो सूंघने से भी इंसान को चक्कर आते हैं, व्हाट टू टॉक अबाउट ड्रिंकिंग, बट दे आर इम्यून, वो तो कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऑन द एवरेज तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए पाकिस्तानी, ये बड़ा उन्होंने मार्जिनल बताया कि हर घर को मेडिकल एक्सपेंसेस को देना पड़ता है। सो एक ये ऐसा काम है जिसके अंदर हम सब मिलके, चाहे आप का वाटर का एरिया है या नहीं है, आई थिंक यू आर एसेट, आप हमें इनपुट दे सकते हैं। जो आपका अपना एक नॉलेज होता है, अगले दिन एक आदमी आया, उसने कहा जी
मेरे घर के अंदर पानी खराब आ रहा है, तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, क्योंकि हमने एक छोटी सी एक टेक्निकल असिस्टेंस या सर्विसेज लोगों को ऑफर की हुई है। आप वेब पे जाएंगे, वहाँ पे फोन नंबर है, किसी ने कुछ मशवरा लेना हो। तो हमने वासा से बात की, वासा ने अपना बंदा भेजा, उन्होंने देखा कि डोर स्टेप के ऊपर तो पानी बिल्कुल ठीक आ रहा है, द मोमेंट इट एंटर्स टू द हाउस दैट कॉजेज प्रॉब्लम। तो अब फर्दर उसको देखा गया तो पता चला कि उनके घर के अंदर के जो पाइप और टैंक है वो वल्नरेबल है, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह लीकेजेस हैं। टैंक कभी आज तक जिंदगी में जब से घर बना था उन्होंने साफ ही नहीं कराया। सो साफ पानी आया, अंदर गया, खराब हुआ, हमने पिया और हम बीमार हो गए। सो एक छोटी सी अवेयरनेस थी जो कि अगर हम अपने पब्लिक में इस तरह से करें, और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि इमीडिएटली आप विपाक अथॉरिटी हैड ए डायलॉग विद वासा, और हमने ये कहा कि एक जोनल बेसिस के ऊपर एक लोगों को इंसेंटिव दें कि एक छोटा सा एरिया आप चुन लें और वहाँ पे कहें कि जी एक महीने के लिए पूरे के पूरे घर की प्लम्बिंग आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे दें। तो आप देखें उस एरिया में सारे लोग आपको आपके पीछे भाग जाएंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल और देना चाह रहा हूँ कि जो आप देखें ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द कमोड जो घरों में ऑफिसेज में टॉयलेट्स में हमारे लगे होते हैं उसमें आप साइड पे देखें तो टिप टिप पानी जो है वो लीक कर रहा होता है। वी डोंट केयर, वी नेवर हैव एवर नोटिस्ड, कोई बात नहीं हो रहा है तो होता ही रहे, ठीक है कितना पानी जाया हो रहा है। मैं आज आपको बताता हूँ 200 गैलन पर डे ऑन द एवरेज ये पानी ये जो 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 लीक हो रहा होता है, एंड देन इफ यू एड इट टू मंथली 6000 गैलन हम लोग एक सिर्फ कमोड से ड्राइव कर रहे होते हैं। So you just add up small interventions. घरों के अंदर कोई टैप लगा हुआ है लीक हो रहा है, पाइप के ऊपर जो है वो सुराख हुआ है तो पानी जा रहा है, गाड़ियां धुल रही हैं तो धुल ही रही हैं कोई परवाह नहीं है, बाल्टी से धोना जो है हमें बड़ा एक मायूब सा लगता है, तो और नहाना है तो खुल के नहाना है। तो शुक्र है अल्लाह का ये बाथ टब का रिवाज खत्म हो गया, वरना वो भी एक फैशन ही बना हुआ था लोगों ने, अब आके उसको तोड़ा है और अब तो वो बात आप लग ही नहीं रहे। और अल्लाह करे कि आप भी लोगों को एडवाइस करें कि इस फैशन से दे शुड कम आउट ऑफ इट। टॉयलेट्स जो हैं वो आप देखिए कि इवन मैं मतलब आपको बताऊं इंडिया के अंदर भी जो एक वाटर जो एक एफिशिएंट टॉयलेट्स जो आपने देखा होगा यहाँ पे डिफरेंट होटल्स में भी लगे हुए कि छोटे टैंक्स हैं और उसमें दो डिविजन्स हैं कि आपने किस ज्यादा पानी चाहिए और थोड़ा पानी चाहिए। लेकिन हमारे तो सारे घरों में इस वक्त 80% ऑफ द ओल्ड और नॉट वेरी ओल्ड बट इवन उनके अंदर बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, एक ही दफा वो किया और मतलब कितने गैलन पानी जाया हो गया। सो कहना मैं ये चाह रहा था कि देर अभी सारी आगे वाली बातें मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर ली कि वी नीड टू हैव अवेयरनेस ऑफ हाउ वी कैन एड्रेस दिस इश्यूज विच आर कॉजिंग वाटर लॉसेस और उसके क्या इम्पैक्ट हैं वो अभी बात करते हैं। जो एक और चीज़ है जी वेस्ट जो अभी मैं बता रहा था कि हमें रूट कॉजेज को देखना है कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे कहीं पे भी नहीं बने हुए, आप लाहौर शहर की बात कर लें, कराची में भी जो बने हुए हैं उनके हालात मुझे याद है कि 1998 व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ एडीबी तो वहाँ पे हमने 55 मिलियन गैलन का मौरीपुर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बनाया था। तो मैं पिछले दिनों जब गया तो उनके वजीर आला मलिक मुझे कह रहे थे कि जी हमें मौरीपुर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए। मैंने कहा जी इत्तफाक से मैं ही टीम लीडर होता था तो जब हमने ये बनाया था तो पता ये चला कि उसकी लैक ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से वो सारी मशीनें गल सड़ गई हैं, और जबकि 3 साल वो चाइनीज ने चलाया था तो वो सब बेहतरीन चलता रहा। तो इसी तरह से अगर आउटसोर्स कर ली जाए चीज़ें और एक प्रॉपर उसकी एक अकाउंटेबिलिटी हो, जैसे लाहौर में अगर आप देखें तो तकरीबन 500 से ऊपर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बने हैं वासा में और उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, हर 3 महीने बाद उसकी वाटर क्वालिटी का टेस्ट होता है, उसके बाहर लगाया जाता है, PCRWR वो करती है।
तो जब तक चीजें अंदर ही गवर्नमेंट के रहेंगी तो यू नेवर नो कि किस तरह से, लेकिन जैसे ही वो आउटसोर्स होती हैं तो यू कैन हैव ऑलवेज लेवरेज कि आप उसको जाके उसकी वो कर सकें। तो वाटर क्वालिटी की जो टेक्निक्स हैं वो मैं आपको आगे एक स्लाइड दिखाता हूँ कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एरिया है कि बहुत सारे हमारी पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि किस टाइप की वाटर की कंटेमिनेशन होगी तो किस टाइप की इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो एक आरओ बनाने वाली कंपनियां हैं वो बेची जा रही हैं अपने आरओ, पता नहीं है कि वहां पे आरओ लगना भी है कि नहीं, बिकॉज जनरल पब्लिक को तो पता ही नहीं है। तो अभी हम आगे एक स्लाइड पे शेयर करेंगे कि देयर आर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मेजर्स फॉर अ स्पेसिफिक कंटेमिनेशन टाइप एंड द लेवल, चाहे वो आप देखेंगे टीडीएस हाई है तो क्या होगा, अगर उसमें इकोलाई जर्म्स आ जाते हैं, केमिकल ज्यादा हो जाते हैं, उसकी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो हर ट्रीटमेंट का एक डिफरेंट तरीका कार होता है। तो अब इस एक छोटी सी चीज पे इसको अप्लाई करने में आबे पाक में हमने लाखों रुपया बचा दिया, क्योंकि हमें फरमाइश थी फला जगह आरो लगा दो, फला जगह ये लगा दो, तो हमने उनको बुला के पूछा, इवन सम एनजीओस, हमने कहा आप ये क्यों लगा रहे हैं, ये जी यहाँ पे पहले भी हमने लगाया था अभी ये है, कोई जवाब नहीं था। व्हेन वी आस्क कि हमें आप वाटर क्वालिटी का टेस्ट दिखाएं और उसमें जो चीज जो है वो WHO या पंजाब वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड से आउट थी तो उसको हमने एड्रेस किया। अब जो 30 लाख में कोई प्लांट बनने जा रहा था वो मुश्किलों से 8 लाख भी नहीं बना, और इसी तरह जो है वो किसी जगह के ऊपर शैलो ग्राउंड वाटर जो था वो कंटेमिनेट था, हमने उसको डीप जाके जो है वो कर लिया, उसके ऊपर कोई फिल्टर की जरूरत ही नहीं क्योंकि पानी साफ आ रहा है। तो आप सोचे कि एक छोटी सी इंटरवेंशन जो लाखों में थी, हमने 1.5 लाख रुपए खर्च करके उसको डीप बोर से हमने पानी लेके और दे दिया, देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑन एनी फिल्टर। ये सारी चीजें हैं कि जो हम लोगों को इस वक्त करने की जरूरत है और कर भी रहे हैं, और जब तक अल्लाह ताला ने जो है मौका दिया तो करते रहेंगे। तो अभी नेक्स्ट चलें जी स्लाइड क्विकली एंड देन आई फिनिश इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट जो है जो वाटर अवेलेबिलिटी का, इस वक्त अगर रिसेंटली एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी आई है जिसमें बताया गया है कि जो पानी का जो पाकिस्तान में ओवरऑल यूज है उसमें 90% ऑफ द वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस, 90%, और बाकी जो 6% है वो आपका डोमेस्टिक वाटर यूज भी होता है ड्रिंकिंग में, और बाकी जो 4% है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। अब आप सोचें दिस मुल्क में 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर वो सारा का सारा या सरफेस वाटर जो ओवरऑल वाटर कहे हैं अगर वो यूज हो रहा है आपके इसमें तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, क्योंकि आप हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स हैं जैसे गन्ना है या आप मिसाल बहुत सारी देख रहे हैं, इतनी क्रॉप्स ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पे कई एग्रोनॉमिस्ट भी बैठे होंगे और कई हमारे, तो वो अगर आप चेक करें तो हमें कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसके ऊपर हम लोग खाम खाका पानी ओवर यूज करके और हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हम अपना पानी बाहर भेजेंगे और वो इतने स्मार्ट लोग हैं वो हमसे जो है वो वाली चीजें लेते हैं जो उनको पता है कि अगर उन्होंने अपने यहाँ उगाई तो उनको नुकसान होगा। तो देखिए ये कितनी छोटी सी बात है। So we will have to change our cropping pattern, we will have to change our जो है एक priorities कि हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें क्या available है। अगर वो water World Bank की report कह रही है कि अगर from 90% to 70% अगर हम लोग allocation हो agriculture irrigation के लिए by you know modifying our cropping pattern and other और गुड प्रैक्टिसेस, तो फिर हम लोगों को वो वाला शेयर हम इंडस्ट्री को भी दे सकते हैं, हम लोग अपने जो हमारी एक इतनी वास्ट रैपिड जो ग्रोथ है अर्बन की पॉपुलेशन की उसकी हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज रियली एक क्या कहना चाहिए आपको, सोचने की हमें जरूरत है कि हम आगे किस तरह से चल सकते हैं। रेगुलेशन है जी वाटर ग्राउंड वाटर की यूजेज की। आप देखिए यहाँ पे आंखें बंद करके कोई जहां पे भी बोर लगाना चाहे नो बडी केयर, इरिगेशन के लिए वेल्स बनते जा रहे हैं, पानी चलता जा रहा है, खोला हुआ है,
प्राइस लगा दी है, पानी नीचे से निकल रहा है, इवन बंद करना भी भूल गए क्योंकि उसका बिजली का भी मीटर जो है वो भी नहीं लगा हुआ। तो इस तरह की चीजों को हमें रेगुलेट करने की जरूरत होगी। जो वाटर लॉसेस की अभी हमें बात की, कुछ एक टेक्निकल लॉसेस होते हैं और कुछ होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस, जिसको हम टोटल मिला के कह देते हैं कि नॉन रेवेन्यू वाटर। तो टेक्निकल लॉसेस तो आपने सुन लिए कि जो लीकेजेस और ये वो सारा, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस वो होते हैं कि जो पानी किसी सर्विस प्रोवाइडर ने हाउस होल्ड लेवल पे दिया और उसका कोई बिल नहीं है, सो दैट आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ द नॉन रेवेन्यू वाटर। और यहाँ पे माशाल्लाह एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑन द एवरेज तकरीबन 40% प्लस नॉन रेवेन्यू वाटर है, जो कि दिस इज अ मैटर ऑफ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न ऑफ मिसमैनेजमेंट आई वुड कॉल इट। और नेक्स्ट जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अभी हम बात कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा कि लाहौर में बड़ी अच्छी 3-4 इंटरवेंशंस तो देखने में मिली हैं, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ वासाज मैनेजमेंट के। जैसे लॉरेंस गार्डन है, उसके पीछे आप अगर गुजरे तो वहाँ पे उन्होंने 15 लाख गैलन का जो है वो अंडरग्राउंड एक टैंक बनाया है। तो उस एरिए में जितनी भी बारिश होती है, क्योंकि वो उसको कंटूरिंग उसकी देख के कि किस तरह से पानी का फ्लो, बारिश होती है, फ्लड आता है और इस तरह फ्लो होके, तो उन्होंने उसको उधर डायरेक्ट करके और सारा का सारा वहां पे इकट्ठा होता है। एंड दैट वाटर इज यूज फॉर हॉर्टिकल्चर, फॉर पूरे जिना गार्डन की वो उसके लिए, और उससे वहां से लेके वो पूरे शहर में, और प्लस वो आपके ग्राउंड वाटर को भी नीचे रिप्लेनिश कर रहा है। छोटी सी बात, एक टैंक बनाना था, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इस तरह के बेनिफिट दे। अब उसका क्या, उसका फायदा एक देखिए आप, माशाल्लाह आपने देखा होगा इस साल अंदरूनी शहर में वो एक टैंक नहीं है, अलहमरा के पीछे भी बन रहा है, इधर कजाफी में भी, और 8 इस तरह के बन रहे हैं। और मैं एडवोकेट कर रहा हूँ कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, जैसे वबडा टाउन है, टेक सोसाइटी है, नेस पार्क की है, जितनी भी हैं, वहाँ पे जो उनका सेंट्रल ग्राउंड है, मस्जिद का एरिया है, वहाँ पे एक तो वजू का सारा पानी उसके अंदर है, जब आपकी रेन हो वो सारी हार्वेस्ट हो जाए। तो इस किस्म की छोटी छोटी इंटरवेंशन, दे आर हैविंग ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर, यू नो, पानी के क्राइसिस से बचने के लिए। तो ये एक आई थिंक बात ये है कि हमारे मीडिया को वो ऐसी चीजें भी बतानी चाहिए जो कि अच्छी होती हैं और हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन का एक वो बायस बनती है। प्रॉब्लम ये है कि हम मीडिया खोलते हैं तो एक नेगेटिव वो भी हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करती है, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल यू नो एसोसिएशन। हमने बीइंग ए पाकिस्तानी देखना है कि चाहे वो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, चाहे वो क्यू लीग थी, एक्स लीग थी, वाई लीग थी, किस गवर्नमेंट ने कौन सा अच्छा काम किया है उसको हम अप्रिशिएट करें और उसको हम वहां से आगे ले जाएं, बजाय इसके कि उसको हम कहें कि वो तो इनका नाम होगा, फॉरगेट अबाउट इट। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द गुड थिंग्स व्हिच वर डन, लाइक साफ पानी में कुछ सोर्सेज 180 के करीब सोर्स, वाटर सोर्सेज डेवलप हुई थी और बंद हो गई थी। तो उसके बाद इस गवर्नमेंट में रियलाइजेशन हुई कि वो तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो व्हाई नॉट वी यूज इट। तो हमें बड़ी मुश्किलों से एक साल स्ट्रगल कर करके, पिछला जो पूरा साल गुजरा है, और मेरे भाई बैठे हैं, मेरा ब्लड प्रेशर यहाँ पे चला गया था कि तकलीफ होती थी कि एक चीज बनी हुई है वो आप आपको नहीं मिल रही, मुश्किलों से वो हमें हैंड ओवर हो गई है। 2 दिन पहले उसका PC1 अप्रूव हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम इसी अगले साल के एंड तक उस सारे जितने भी पंजाब के जितने भी ब्रैकिश एरियाज हैं, हम उनको वी विल गेट रिड ऑफ, यू नो, पीपल जो भी लोग वहाँ पे हैं उनको एक हम रिलीफ पहुँचा रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। स्कूलों में हम जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूलों में, मेरे पास क्या है कि मुझे कॉल आती है किसी जगह से, जी मैं डोनर हूँ जी, और मुझे एक पाकिस्तानी अमेरिकन हमारा एक डोनर है, वो डॉक्टर साहब हैं, खाते पीते हैं, उन्होंने कहा जी मैं 40,000 स्कूलों को पानी के प्लांट देने के लिए तैयार हूँ, आप बना सकते हो। मेरे लिए तो इतनी खुशी की बात, देखिए हमारे 40,000 स्कूल पंजाब में। सो वी आर इमीडिएटली, आई थिंक आई टोल्ड हिम कि यस, एंड देन आई वेंट टू गवर्नर साहब, उन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया। नेक्स्ट ट्यूजडे आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद,
NRSV से बात करेंगे क्योंकि उनका बड़ा स्प्रेड है। अब उनकी कैपेसिटी को देखते हुए, एनजीओ की अपनी कैपेसिटीज को देखते हुए, उधर से पैसा बाहर से आ रहा है, हमारे तो उसमें आएगा ही नहीं, वो एनजीओ को जाएगा या वहाँ पे किसी जो भी NRSV को जो भी बनाने वाले हैं, हम उनको टेक्निकल सोल्यूशन जो देंगे कॉस्ट इफेक्टिव, और हमारे स्कूल वो कवर हो जाएंगे। अगर जिंदगी रही तो आई कैन प्रोमिस बाई एंड नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये पंजाब के मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स विल बी कवर्ड विद द सेफ प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इन एडिशन वी आर गोइंग टू गिव टू जेल, जेलों में भी जो हालात हैं आपको पता ही है, कोई नोबडी केयर्स। दरबारों के बाहर जो इतनी पब्लिक रोजाना कहाँ कहाँ से आ रही है, वहाँ पे वो बस वही जो पानी वजू के लिए है वहाँ पे वो ही। इस तरह की ऐसी छोटी छोटी इंटरवेंशन हैं जो कि हमारे पास इतने लोग, मैं आज अगर यहाँ पे आपसे बात करो ना, मुझे पता है कि मैं मुझे जाते हुए कम अज कम जो जो भी आपके पास 5-5 100 1000 होगा, आप कहेंगे यार नेकी का काम है करो, क्योंकि पानी है। सो इसके अंदर हमें डोनर्स की कमी नहीं है, सिर्फ जो एक सबसे बड़ा खतरनाक एरिया है वो है गुड गवर्नेंस का। जहाँ पे पैसा आया है वहाँ पे आपको यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अच्छा, लास्ट जो है वो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ऑपरेशन मेंटेनेंस कैपेसिटी बिल्डिंग और सारा। नेक्स्ट ये आप एक स्लाइड देखेंगे जो अभी आपसे डिस्कस की कि जिस टाइप की पानी की प्रॉब्लम है, जिस टाइप की बीमारी है, उस टाइप का इलाज है। आंख की बीमारी है तो आंख का इलाज है, हमने हड्डियों वाले डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो अब अगर हम क्विकली देख लें तो हम जो आबे पाक अथॉरिटी ने एक बड़ा केयरफुल देखा है टेक्निकली, क्योंकि हमारी सारी टीम ऊपर से लेके नीचे तक टेक्निकली साउंड है। तो हमने ये देखा है कि जहाँ पे स्वीट ग्राउंड वाटर है, जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे या हमने डी बोर्ड बना लिए हैं, या हमने अगर कोई पंप लगा अपना प्लांट लगाया है तो उसमें हमने सिर्फ डिसइंफेक्शन डाल दी है, ताकि जिन दिनों में बारिशें होती हैं, टर्बिडिटी हाई होती है, तो वहाँ पे क्लोरीन आइट ऐड कर दी जाए तो सारे जर्म्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, पब्लिक को साफ पानी मिलता रहेगा। अब यहाँ पे कोई आके मुझे कहे कि आप आरओ लगा दें तो आई विल से सॉरी वी कैन नॉट डू इट, और इसके ऊपर कॉस्ट कुछ भी नहीं है खास। अच्छा, स्वीट ग्राउंड वाटर जहाँ पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, एक्वली है और कॉलीफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट लगता है, वहाँ पे भी हम लोग जो है वो आर्सेनिक वाला मीडिया नहीं लगाते। तो इसी तरह जो है वो TDS जो अगर 1000 से ज़्यादा है, जो कि WHO की गाइडलाइंस हैं, पंजाब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, तो अब उस वक्त हम लोग सिर्फ RO कंसीडर करते हैं, बट दैट इज आवर लास्ट सॉल्यूशन, क्योंकि RO की जो मेंटेनेंस है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो अगेन आई थिंक वी गो ऑन एंड ऑन कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो कौन सी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर लगेगी। वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ यू नो स्पेंडिंग अपना प्रपोजिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज नीडेड। तो बाकी जो आगे नेक्स्ट चले तो आगे हाँ ये वाली चीज। तो जैसे मैंने अभी आपको आखिरी स्लाइड दिखाई है, एंड दिस इज आल्सो द लास्ट स्लाइड, जो आजकल हम लोग काम कर रहे हैं मैंने आपको बता भी दिए, जल्दी से आई विल जस्ट कोऑर्डिनेट विद यू अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। आपने देख लिया कोऑर्डिनेशन विद डेवलपमेंट जो हो रही है, एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड है विद NGOs, बेशुमार NGOs, डोनर्स, हर कोई काम कर रहा है। हमने उनको कहा है कि लेट्स हैव ए ग्रुप, एक डेवलपमेंट ग्रुप जो है PDN हमने बनाया है नेटवर्क के, तो सारे लीडिंग NGOs हैं इस वक्त तक 12-13 हमारे पास आ गए हैं। तो हम आपस में हमने उनसे सारा डेटा ले लिया है, हमने अपना डेटा शेयर कर लिया है, ताकि जहाँ पे वो बना रहे हैं वहाँ पे हम ना जाएं, जहाँ पे हम बना रहे हैं वो ना जाएं, जहाँ पे हम दोनों काम कर सकते हैं वो डेवलप कर रहे हैं, हम उनको टेक्निकल सपोर्ट दें। तो इस तरह से इतना पैसा बच रहा है कि वो जो ओवरलैप हो रहा है ना, एक रेस लगी हुई थी, प्लांट बनाते जाओ
दिस इज नॉट द सॉल्यूशन तो मैंने आपको बताए हैं कि हमने बड़ा केयरफुली काम करना होगा, हमारी वाटर सप्लाई पाइप वाटर सप्लाई के ऊपर हमने जोर देना होगा जो कि एट डोर स्टेप है, पानी जो लोगों के घरों में सही नहीं आ रहा जिन जिन जगहों पे, और लोगों के माइंड सेट को हमने जरा थोड़ी सी अवेयरनेस देनी है जो मैंने अभी आपको बताया कि कहीं पे पानी साफ भी आ रहा है इतबार नहीं है, वो अपना टेस्ट कराए। मोबाइल हमने जो है वो अभी लेने लगे हैं वाटर ट्रीटमेंट की लैब्स, तो वो भी इंशाल्लाह फोन आप करेंगे तो आपके घरों के नजदीक आके सैंपल लेके आपको वो टेस्ट करके दे देगी, तो आपको ये भी फैसिलिटी होगी, यू विल बी सेटिस्फाइड कि मेरे घर में ये आ रहा है, और आपको भी एक थोड़ी सी एक चेक लिस्ट दे दी जाएगी आपने कब टैंकी ठीक कराई थी, और आपको जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक जोनल अप्रोच करके छोटे छोटे एरियाज में हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और अभी एक पहला काम हम करने चले हैं इंशाल्लाह टैक्स सोसाइटी में कि उनके साथ हम मिलके ये देखेंगे कि उनका जो ऑलरेडी फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है क्या वो उसको प्रॉपरली रन कर रहे हैं, क्या उन्होंने बाहर लोगों के लिए वो लगाया हुआ है चार्ट के हर 3 महीने के बाद वाटर क्वालिटी का जो टेस्ट है, कि मैं अगर भरने जाता हूँ तो मुझे पता तो हो वाटर क्वालिटी क्या है यहाँ पे, मैं तो आजकल तो हर कोई आंखें बंद करके फिल्टर प्लांट को देख लेते हैं। मैं एक चीज आपसे आखिर में बस शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा पानी जो किसी फिल्टर प्लांट से गुजर रहा हो उस वाले फिल्टर प्लांट से जिसकी जिसके अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं हुई हुई, वो पानी उस रॉ वाटर से कई गुना डेंजरस है, कई गुना डेंजरस है। ये अभी हमने मुल्तान में किया था, हमें यूनिसेफ ने कहा कि ये हमारे पास ग्रांट पड़ी हुई है 2 महीने में खर्च कर सकते हो, तो चूंकि मैं आया ही डेवलपमेंट में इस पे था, मैंने कहा कर सकते हैं, हमने जल्दी जल्दी से उसको जो पुराने फिल्टर प्लांट से, तो कहा यह गया कि बंद वालों को खोलो, हमने कहा नहीं हम खुलों को चेक करेंगे, हमने 11 चेक किए क्योंकि वो इतने ही पैसे थे, तो आप सोचें 11 के 11 फिल्ट्रेशन प्लांट्स एग्जिस्टिंग, उनके अंदर आर्सेनिक था, किसी में कुछ था, किसी में क्या था, बंद तो बंद पड़े हुए हैं लेकिन जो खुले हुए हैं इस वक्त वो बहुत ही डेंजरस है। तो हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अगर हम लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम एक एक सोसाइटी में ये इंसेंटिव देंगे कि हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, लेकिन जो आपकी पब्लिक उधर रह रही है उसके लिए यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, आप क्या कर रहे हैं, आपने अपना टेस्ट लगाना है, आपने अपने फिल्टर की जो एक चेंजेस हैं उसको आपने हाईलाइट करना है, एंड हमसे अगर आप हम सोच रहे हैं कि हम वहां पे अपना एक शील्ड सी लगाएं सर्टिफिकेशन की हर 3 महीने के बाद, वी गो वी चेक वी सर्टिफाई एंड देन आप आंखें बंद करके जाएं, देयर इज नो नीड टू गो टू सुपर मार्केट टू गेट 250 या 300 रुपीज बॉटल, क्योंकि आपके बच्चे बीमार ना हो जाए आपको डर है, बट यू विल गो टू दोज फिल्ट्रेशन प्लांट जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। और अभी लास्ट सेकेंड लास्ट वीक में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, पिछले 9 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, तो उनसे हमने यही अर्ज किया था, हमने कहा कि देखें जो एग्जिस्टिंग फिल्ट्रेशन प्लांट्स बने हुए हैं से लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये पूरे पंजाब के लिए काम हो गया है, तो लाहौर में जो एग्जिस्टिंग फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हुए हैं 100 के करीब, तो उसमें जो अगर हम लोग उसको आबे पाक अथॉरिटी आप देख लें हमारी परफॉर्मेंस, हम तो खुद आपके हम चाह इमीडिएटली विद इन ए सेकंड ही सेड फाइन यू गो है, तो वो हमें लाहौर के कल की डेट में हमें वो फिजिकली उनकी चाबियां दी गई हैं 54 की, और हम लोग उनको रिवाइव करेंगे प्रोवाइडेड वहाँ पे ज़रूरत हो, अगर कोई वहाँ पे नज़दीक और लगा हुआ है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे म्यूनिसपैलिटी को इसको अबॉलिश डिमोलिश कर दें, क्योंकि ये आपके लिए एक बदनामी का बायस है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। या एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता चलूँ कि ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट भी लाहौर में लगे हुए हैं जो बंद पड़े हुए हैं, लेकिन दे आर वेरी क्लोज टू वो जो ट्यूबवेल है उसका वासा का, तो हमने सोचा कि उस वासा के ट्यूबवेल के पानी को चेक करते हैं, क्योंकि 600-700 फुट तक उसकी गहराई है, तो पानी ही उस तक तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो तो सारा क्लियर होगा। जब हमने उसको चेक किया तो उसमें से तकरीबन 9 के करीब ऐसे लोकेशंस आई जहाँ पे वाटर वाज टोटली फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा वो बंदा था जिसने यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट को बनाया है, मतलब फिल्टर प्लांट लगा दिया उसके ऊपर, अभी तक उसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, बिजली के बिल भी हो रहे हैं, यू नेवर नो किधर जा रहे हैं, वो बंद पड़े हुए हैं।
तो इन चीजों को अब हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। अगर वहां पे नजदीक ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसका पानी साफ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम सिविल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा साफ सुथरा एक हाइजीन का एक उसमें एलिमेंट डाल के वहां से हम डायरेक्ट पानी दे दें और फिर तीन तीन महीने के बाद उसका करें। उसको हम लोग फिल्टर प्रोसेस से भी बाईपास कर दें। व्हाई टू स्पेंड मनी व्हेन देयर इज नो नीड। सो ये सारी चीजें हैं। तो अब आई थिंक फ्लोर इज ओपन। There are so many other things we will keep talking, discussing practical ideas. So I hope you liked it. Or ab hum log we open the floor for questions here and then from Zoom. Please. देखिए जी, अगेन आई विल बी वेरी केयरफुल इन कमेंटिंग एनीबॉडीज परफॉर्मेंस, क्योंकि कल को फिर अखबार में सुर्खियां लग जाएं कि आबे पाक अथॉरिटी ने उसको बुरा कह दिया। एक जनरल सी बात है, नॉट इवन इन पाकिस्तान बट पूरे एक रीजन में मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। जितनी भी पब्लिक सेक्टर में जो एक ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका रोल होना चाहिए पॉलिसी की हद तक, और अगर वहाँ पे कैपेसिटी है तो उनको एग्जीक्यूशन और उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर लगाया जाए। जिस जगह पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे जो आप कह रहे हैं वही चीज देखने में आ रही है। अब चाइना में ये चीजें क्यों नहीं होती? चाइना में एक वही बात है, चाइना में एक एक चांस नहीं दिया जाता। लोगों को पता है कि हम गायब हो जाएंगे। मतलब किसी एक बंदे ने, मैं आप रुपयों के फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी एक बंदे ने 500 रुपए की भी बेमानी की है ना, सिर्फ 500 रुपए की, विच इज ओनली $3, $2, तो आप सोचें कि मेरे होते हुए मैंने देखा है कि वो लोग पता ही नहीं लगा वो गए कि इस तरह का एक अगर अकाउंटेबिलिटी हो, एक जजा और सजा का एक हो। देखिए आप जैसे कितने अच्छे लोग भी तो बैठे हुए हैं ना, जिनकी वजह से मुल्क चल रहा है, अगर उन लोगों को प्रमोट करें, उन लोगों को रेकग्नाइज करें, और वो लोग जो कि जिनका पर्पस कुछ और है, जो जिस मैंडेट से वो आए हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे, तो उनको थैंक यू करें। तो इस तरह का जो हमारी जो एक ओवर जितनी इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं, एक तो जैसे हम लोग कह रहे थे कि लाइट्स ऑन कर दें, कि जो जो ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं ना, कि फलानी एजेंसी भी काम कर रही है, वो भी कर रही है, लोकल गवर्नमेंट भी कर रही है, पब्लिक हेल्थ भी कर रही है, वो डिसेंट्रलाइज वो एक आया था मॉडल बल्दियाती लेवल पे, वो अभी तक नहीं हुआ। तो अब इतनी वो एक 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 हैप्हैज़र्ड किस्म की जो मैनेजमेंट हो जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसका फिर असर तो यही होगा, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे ज़ाया होते जाएंगे। तो आबे पाक अथॉरिटी जब आई बनी है, मैं नहीं जानता कि साफ पानी जिस वक्त कंपनी बनाई गई थी तो उसका भी पर्पज़ यही होगा कि देखिए हर गवर्नमेंट का एक पर्पज़ तो होता है ना, कि उन्होंने भी यही कहा था कि या मुशर्रफ साहब के टाइम पे जो साफ पानी का वो जो प्रोग्राम आप बता रहे थे,
नीयत ठीक होती है लेकिन आगे जाके चीजें खराब हो जाती हैं। अब साफ पानी में क्या हुआ, सिर्फ उसके उसके ऊपर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ, 7 अरब रुपया खर्च हुआ है, 7 अरब लोगों के तनख्वाहों, दफ्तरों के खर्चे, गाड़ियां, जो जो कुछ भी हो सकता था, कंट्रेक्टर्स, कंसल्टेंट्स इतने महंगे, 400 बंदे और ऐसे था जिस तरह के पता नहीं क्या हो जाएगा। और आउटपुट 116 फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो कि उसके बाद है, सिर्फ 116। अब अगर काम करने की नीयत हो तो मैं आपको ये कह रहा हूँ इस दिसंबर तक या जनवरी के शुरू इंशाल्लाह, सिर्फ इन चंद महीनों में, 6 महीनों में, क्योंकि जून में हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं, जनवरी फरवरी तक आपको 1200 नीड बेस्ड फिल्ट्रेशन प्लांट बने हुए मिलेंगे जिनकी कॉस्ट बहुत कम है उसकी निस्बत, और बल्कि इससे भी अब कम जाएगा क्योंकि अब हमारे जो सेकंड PC1 बन रहा है वो तो अब एटलीस्ट हमारे जो नई रिक्रूटमेंट है हमारे सामने बन रहा है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड, जो अभी सारी मैंने बातें की हैं, हमने जो लेसन लर्न किए हैं, वी आर गोइंग टू फार बिलो। इस वक्त हमारे आदमी कितने हैं, 400 पीपल ऑफ साफ पानी एट दैट टाइम एंड ओनली 60 पीपल राइट नाउ, 60 बंदे काम कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर मुख्तलिफ एरियाज में, फील्ड में भी हमें ज़रूरत है, सारा कुछ है। बहुत ही हम स्ट्रिंजी उसमें कर रहे हैं कि कोई ऐसे नॉन डेवलपमेंट फंड्स को ज़ाया ना किया जाए। एक और बात आपको सुन के बड़ी तकलीफ होगी जो कि मेरी समझ से बाहर है, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी एक मीटिंग हो बड़े लोगों से, कि 40 गाड़ियाँ साफ पानी की एक जगह के ऊपर डंप की हुई है, धूप में, बारिश में सड़ रही है, नई गाड़ियां, हाँ, रीनो, पता कौन कौन सी, वो जो बड़ी बड़ी डबल केबल और क्या कुछ, हमें गाड़ियां चाहिए, हमारे काम चल रहे हैं, हमारा काम सफर हो रहा है, हमें, हम चाह रहे हैं कि हमें वो गाड़ियां दे दे, हमें रेंट भी दे दे, कोई तो हमें मुल्क का नुकसान ना कराए कि हम लोग फिर हम लाखों की गाड़ियां ले लें और उनको गाड़ियों का ज्यान हो। आप यकीन करें कि 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, कौन सा ऐसा वो नहीं है जो कि वहां पे ये तो लिटिगेशन है, ये तो वो है, फलाने, आई मीन आप अगर हमें हैंड ओवर नहीं करते तो हमें रेंट पे दे दे, कम से कम आपको भी अर्निंग हो, हमारा भी फायदा हो। हम लोग इस वक्त इस डर से कि शायद हमें कल को मिल जाए तो हम लोग नहीं खरीद रहे, हमने चंद ही खरीदी हैं जो कि पहले खरीदी जा चुकी थी, उसमें कुछ डबल केबल भी हैं जो कि ली गई हैं, अब वो यूज करना पड़े, लेकिन बाकी सारा रेंट पे हम लोग काम करें इसी होप में। और फिर ऑस्टेरिटी के भी हमारी एक स्टेप होता है जहाँ पे आप किसी एक गाड़ी को खरीदने के लिए आपको बहुत ज्यादा, वो कहते हैं उसका बोर्ड नहीं बना, तो फिर हम मजबूर हैं, हम रेंट कर रहे हैं, 40 गाड़ियां वो खड़ी हुई है, तमाशा बनी हुई है, I don't know. So these are the things which are beyond our imagination. लेकिन मतलब जैसे मतलब कोई सेल्फ प्रेज नहीं है, आपने देखा भी होगा पिछले 3 महीने तक, पहले 3 महीने से पहले तक मैं किसी टीवी चैनल पे नहीं आया था, अब जो भी बुलाता है, उसकी वजह ये थी कि we do not want any publicity, any fame, हमें किसी चीज का नहीं है, हम तो आए इसी जज्बे से हैं क्योंकि हमने उसको कुछ चलाना है। मतलब मैं तो इवन तनख्वाह भी नहीं ले रहा, आई जस्ट सेड आई विल वर्क वॉलंटियरली। अब यकीन करें कि रात को मैं इतनी सुकून से मुझे नहीं रहती, बहुत मजा आता है क्योंकि वो आप सोचते हैं कि ये एक दिन की सुबह से लेके 10 घंटे आपके इनपुट में पता नहीं कितने हफ्ते कितने महीने बचा दिए, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस थिंग्स आर मूविंग। लेकिन मैं आपको, मुझे आप जैसे बंदों की जरूरत है जो जो वाइज लोग हैं, जो वॉलंटरीली भी आके हमें हेल्प करना चाहते हैं, प्लीज डू। आपने आज मुझे ऑफर की है, इसी तरह आज के इस लेक्चर के हवाले से जो हमारे सुनने वाले दूसरे हमारे दोस्त हैं, तो मिलके काम करते हैं, मिलके अपने मुल्क को जो है वो करते हैं, बिल्डअप करते हैं और आम शहरी की जो है वो लाइफ ठीक करते हैं इंशाल्लाह। कि गवर्नमेंट इदारे नाहिल हैं, इनएफिशिएंट हैं, काम नहीं करते और उसमें अपने सब्जेक्ट में क्लियर नहीं है और काम करना नहीं चाहते। इन्होंने इसी कुछ और बातें भी होंगी, इसके तहत उन्होंने ये कंपनियां बनाई।
अब कंपनी में क्या हुआ कि ये कोई एक्सपर्ट लोग लाते हैं जो मार्केट को समझ के वही बंदे उसी मैथ में ला के बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लगा दिए। बंदे तो कोई थे तो काम तो देखिए जी, अब तो देखना ये है कि हम इस वक्त क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। हम किसी के साथ फाइट नहीं कर सकते, किसी को हम अक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बार बार मेरी वही बात है कि गवर्नमेंट में आप भी आप में से भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट से आए हैं और उन्होंने अपने बड़े अच्छे काम किए, वी रेस्पेक्ट। और जहाँ पे अगर कोई इस तरह का ऐसा इशू है तो कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसे ना हो हमारे इदारे में। जी प्लीज बताइए जी, आरिफ शुजा साहब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिटेल इनसाइट, वेरी heartening to see these initiatives, sir. मैं पाकिस्तान से ही हूँ, company है Modern Mission Control. जी ये थोड़ा सा जरा नजरसानी करिएगा कि how is technology going to add value to your O&M operations? आपने जिक्र किया issues in water, तो how can you know our experiences is के water की quality के measurement, water की metering, उसके associated electric metering, so that will and then bringing data to proper center, जिस तरह पानी network है तो आपको पता लगेगा एक province में कितने ट्यूबवेल चले, कितने filtration plant चले, कितना उन्होंने पानी किया, quality क्या चल रही है, parameters कम हो रहे हैं, so if there is a quality deterioration then operations maintenance team को divert कर दे रहे हैं उन areas, उन you know RO plants या filtration plants पे जहाँ पे information या maintenance needed हो, इसको पता थोड़ा सा थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया, जिसमें अभी आपको ये बताया कि अब हमें शुक्र है कि फ्री हैंड मिल गया है कि वेयर एवर वी वुड लाइक तो हमें एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैंड ओवर किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो एक बड़ी एक कमी है वो मेरी स्लाइड में थी, आई वॉज अनएबल टू एलैबोरेट, कि इस वक्त जो इंफॉर्मेशन का है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेटिक्स, उसकी कमी है कि आपके पास ओवरऑल क्या कुछ है। जो अभी आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि हमारे पास कितनी जो है वो स्कीमें किस टाइप की बनी हुई है, कब बनी थी, किसने बनाई थी, उसका एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या है, क्या वो ठीक चल रही है, अगर सीबीओ बेस्ड है तो क्या सीबीओ उसको ओन कर रही है नहीं कर रही, अगर वहाँ पे ट्रांसफार्मर चोरी हो गए बंद हुए पड़े हैं, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो डेटा है सो उसकी कंपाइलेशन का प्रोसेस ऑलरेडी हमने शुरू करवा दिया है। और उसका पर्पज यही था कि हमें पता हो कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है इस वक्त एग्जिस्टिंग सिनेरियो में, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में वो ऑप्टिमली यूज नहीं हो रही, बिकॉज वही बात कि हम नए रिसोर्सेज डेवलप करते चले और पीछों को हम मुड़ के भी ना देखें। तो यू आर वेरी राइट, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है और इसके ऊपर भी जो ऑलरेडी डेटा हमारे पास है, अगर वो अगर हम वाटर क्वालिटी की बात करें तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और साफ पानी ने मिलके उसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है उनके कंसल्टेंट्स ने, तो वो जो सारे प्रोफाइल्स और उसकी पूरी डेटाबेस है, अब हम सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर उन जगहों पे जाएंगे जहाँ जहाँ पे जो इश्यूज हैं वो की इश्यूज को हम लोग आइडेंटिफाई करके, और हम वापस लोग खुद भी पहुँच रहे हैं, वेब पे भी आ रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं और अपने जो है उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भी आ रहे हैं। तो कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, हमें तो कोई पार्टी से गज नहीं, हमारे लिए तो सामने हर पाकिस्तानी है, वी आर टोटली न्यूट्रल। ये चीज़ आप भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे पर कोई टैग नहीं है, और हमें पहले दिन भी मैं फिर वही कहता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट PTI या प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने कहा देखा यहाँ पे हमारे इंसान बस रहे हैं, अगर कोई आपको कहे कि जी फलानी पार्टी का हूँ और ये कर दो तो इसको प्रायोरिटाइज करो, यू डोंट केयर जहाँ पे जरूरत है। और उसका नतीजा ये निकला कि हमारा पहला प्रोजेक्ट जो फैसलाबाद का जो पहला कमीशन होने लगा है, जो हमने अवार्ड किया था, वो इट वॉज नॉन PTI, बिकॉज हमने नहीं देखा, हमने जहाँ पे नीड है वहाँ पे है,
अगर एक इलाका किसी दूसरी पार्टी का है और उसमें 15 प्लांट की जरूरत है और उसके साथ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 आ रहे हैं वो पीटीआई का है, आप पीटीआई वाले गुस्सा करेंगे। हमने कोई पार्टीज़म यही नहीं, हमारा सिर्फ ऊपर से हमारा प्राइम मिनिस्टर का मैसेज ये था, डोंट केयर अबाउट एनी बायस, जस्ट वर्क ऑन नीड बेस्ड। सो आई थिंक यू विल बी प्लीज टू नो इन इन चीज़ों के ऊपर जो आपने बड़ी वाइजली पॉइंट आउट किया है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। थैंक यू। सब ये आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप जैसे लोग पाकिस्तान को सर्व करने में पैशन एंड इतनी फाइट वे में आए हैं। यस, आवर सोसाइटी हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वासा और बाकी की जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जब आपने काम करना होता है तो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू मेक आवर वे। रह जाएंगे तो हम इस चीजों को देखते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो पानी है, इट्स नॉट एन इंजीनियरिंग, इट्स ए टेक्नोलॉजी। वासा जो भी काम कर रहा है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दे आर डूइंग फॉर अ जनरल, दे आर नॉट डूइंग फॉर द टेक्नोलॉजी पर। जब हम बात करते हैं आरओ प्लांट की अल्ट्रा ऑपरेशन आर्सेनिक डिटरमिनेशन आर, तो ये हमारी सारी जो है वो पब्लिक सेक्टर के काम करती है। वन ऑफ माय फ्रेंड ड्रॉप्ड इन माय ऑफिस और उसने कहा जी मुझे ये 4 प्लांट मिले आरओ प्लांट्स पे, ये तो आई हैव द कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज हेल्प मी, तो हम इसको डिजाइन करते हैं। वो आप वाली बात, इसके ऊपर मैं बहुत कंसर्न था। मैंने उन्हें कहा पहले मुझे टेस्ट रिपोर्ट दो फिर हम आरओ लगाएंगे। तो जब मैंने उसे टेस्ट रिपोर्ट भी वो नहीं करवा रहा था, मैंने कहा मुझे सैंपल दे दो, डिस्टरबाइन से या बोर से आपने पानी पाया। एक शेखपुरा का, एक मरकाना साहब का था, एक सूर का था और एक नियर बाय पंजाब में से आया। जब मैंने सैंपल की टेस्टिंग PCRWR से करवाई तो 2 के ऊपर उनको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट चाहिए था, उसके टीडीएस वगैरह जस्ट माइक्रोबायोलॉजिकल का टाइप नहीं चाहिए, और 2 के ऊपर उनको आरओ प्लांट चाहिए था। तो मैंने उनको कहते हैं मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट में आरओ मिला हुआ, मुझे तो आरओ लगाना। मैंने कहा यार देखें जो चीज की रिक्वायरमेंट में है वो आप क्यों लगाओगे, एक चीज ओवरडूइंग है या ओवरकिलिंग है। जब आप पानी में से सारे सॉल्ट निकाल दोगे तो वो पानी तो ड्रिंकेबल रहेगा ही नहीं। देन ये आपके के लिए आप मेरे साथ आई पैक चल उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कन्विंस कर। अब जब मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास प्रेजेंटेशन दी उनको बताया, शॉर्ट करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जी मैं सर, तो उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दी तो हमारे आप पंजाब में जहाँ गए थे बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक ये जो ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग का है नेक्स्ट मरला, वो अब हमने करना है। जितने भी पंजाब के टेक्निकल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं टेप्टा ये सारे, इनकी हेल्प से हम लोग अब अप्रोच कर रहे हैं ताकि हम लोकली उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लोगों को ट्रेन करें ताकि वो उस तहसील में अगर उनको एक तो लाइवलीहुड उनको नौकरी मिल जाएगी और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। और हमारे एक अच्छे एनजीओ हैं इस्लामिक एड वाले, उन्होंने हमें फ्री है उन्होंने ऑफर किया है कि जिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपने बच्चों को या उनके टेक्नीशियंस को ट्रेन करना है तो हम वहाँ पे एक प्लांट भी लगा देंगे एज ए डेमोन्स्ट्रेशन फॉर देम टू अंडरस्टैंड
फॉर गेट ट्रेनिंग एंड फॉर अदर्स, बच्चों को भी इधर स्कूल टीचर ये वो सब लोग आएंगे देखेंगे. सो एक ये भी काम बहुत ही अच्छा करने है और संबोधा में हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो ये एक्सपेंड होगा और इंशाल्लाह. जी प्लीज. हमने देखा है कि इवन मस्जिदों में जहाँ पे हम हमारा इस्लाम कहता है कि वुजू करते हुए भी पानी का सरफ कम करें, लेकिन मस्जिदों में भी पानी ज़्यादा हो रहा है. पब्लिक मीटिंग में हम देखते हैं कि पानी की बोतल लेते हैं हम और आधा पानी पी के छोड़ देते हैं. तो इसके लिए मैं समझता हूँ आपके कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बहुत. बिल्कुल जी, ये इतना इम्पोर्टेंट काम है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे लाहौर में तो कुछ खुशकिस्मती से शुरू हो चुका है ग्रेजुअली, और वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट बेसिकली. कहीं पे लोगों को जिन टैंक्स की ज़रूरत है या उसके पैसेज की ज़रूरत है, जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जैसे दाता दरबार है, उसका कितना पानी वहाँ पे निकलता है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे ख्याल वाटर कमीशन वालों ने ऑलरेडी काम कर लिया है जो कंजर्वेशन के ऊपर हो रहा है. तो इस तरह जितनी भी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं मोस्टली दे आर क्लोज टू द पार्क्स, तो उसमें इजीली वो सारा वजू का पानी उसके अंदर इकट्ठा हो सकता है एंड दैट कैन बी रिसाइकल्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज. और अवेयरनेस की आपने बात की, वो ऑलरेडी हमारा सिलसिला शुरू हो गया है थ्रू लेक्चर्स. अब हम यूनिवर्सिटियों में भी कोशिश कर रहे हैं, हम अपने एनजीओस के साथ कर रहे हैं. नेक्स्ट फ्राइडे को जैसे मैंने अभी आपसे बात की, आरओ की जो एक पूरी टेक्नोलॉजी है मेंटेनेंस की, उसके ऊपर हम लोग गवर्नमेंट के सारे लोगों को भी बुलाएंगे और जो जो भी हो. आजकल वर्चुअल मीटिंग्स का दौर है तो इसलिए आई थिंक वी विल डिसेमिनेट इट ऑन आवर वेबसाइट कि जिसने भी वो ट्रेनिंग दे दी है लोगों को वाटर कंजर्वेशन पे. जैसे आपने शुरू शुरू में एक छोटा सा क्लिप देखा 3-3 मिनट 2-2 मिनट्स की, वो भी पोस्ट आ रही है, तो वो उससे आप देखेंगे आप भी हमारे इंशाल्लाह व्हाट्सएप का जो है वो उसका हिस्सा बने, फेसबुक का हिस्सा बने, यूट्यूब का चैनल है हमारा उसका भी हिस्सा बने. और अभी 2-4 5 दिन पहले वो अली हैदर एक हैं एंकर हैं, उनका यूट्यूब चैनल है उसको भी आप देखें, एक ही तो भी मैंने भी उनको इंटरव्यू उसमें रिकॉर्ड कराया है. इसी तरह हमारी वो जो एक फाउंडेशन है इनकी शाह साहब हैं, क्या नाम है उनका, कासिम अली शाह साहब हैं, उनकी फाउंडेशन ने एक इंटरव्यू है वो बड़ा एलेबोरेट है. तो हमारे CEO और हम, मैं खुद और बाकी हमारी टीमें हैं वो इस तरह की अवेयरनेस. और आज हमने अभी रिसेंटली मीडिया टीम हायर कर ली है, तो वो व्हाट्सएप जो कि बड़ा कॉमन है हमारे मुल्क में, तो हम कोशिश ये करें कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं द मोमेंट दे रिसीव एनी इंटरेस्टिंग क्लिप दे कैन शेयर इट ऑन देयर नेटवर्क विद देयर फ्रेंड्स. तो ये इस तरह मैसेज फैलेगा, ये अल्लाह का काम है. मैं आपको कहूँ इस वाटर के क्राइसिस में हमें बहुत खौफ है, जिस तरह से आपने देखा होगा PCRWR की रिपोर्ट है कि 2025 में लाहौर में क्या हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें, वो तो उन्होंने अलर्ट किया है. और वो इसलिए अलर्ट करना अच्छा है कि इस वक्त हम अगर हमने अपने आप को सही ना किया तो खुदा ना खास्ता हम एक एक कतरे को जो है वो कराची जिस तरह आज का नशर हुआ है, तो खुदा करे कि कहीं पर भी पाकिस्तान के किसी कोने में भी इस किस्म की ना हो. और पंजाब का अगर हमारा सक्सेसफुल ये मॉडल जाता है आबे पाक अथॉरिटी और हमें और भी दे दें, क्योंकि PM ने कहा था कि आप इनको सैनिटेशन भी दे दें, इनको जो है वो बेशुमार हमारे ज़िम्मे हैं, इनको KPK में भी जो है उसमें भी और बलोचिस्तान में, तो वी आर ट्राइंग जितना हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आगे अल्लाह ताला की मर्जी है. जी प्लीज सर, ये थे कि आपने अवेयरनेस पब्लिक के बारे में बात की, उसके साथ साथ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की है, तो क्या इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन का भी कोई ऐसा है अवेयरनेस या कोऑर्डिनेशन हो रही है, कोई प्रोग्राम है, क्योंकि एक कम्युनिटी में तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं, वहां आता के पब्लिक हेल्थ भी काम कर रहा है, PWD भी काम कर रहे हैं, NGO भी कर रही है, लोकल गवर्नमेंट भी कर रही है, यानी वहां अगर कोई सोर्सेबल पर्सन है तो वो अप्रोच करके वहां करवा रहा है. 80% जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो एट सोर्स लगे हुए हैं, ट्यूबवेल्स के ऊपर लगे हुए हैं, तो इसके बारे में किस तरह कोई
इसी बारे में आप पहले जो एक हमारे दोस्त ने सवाल पूछा था कि हम सारा डेटा इस कंपाइलेशन का इस वक्त टाइम है, वी हैव टू सी हु इज डूइंग व्हाट एंड वेयर, और आगे की जो फ्यूचर की नई डेवलपमेंट हो रही है उसका हम एक 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 पॉलिसी बनाने के लिए नेक्स्ट हमारी गवर्निंग बॉडी है उसके थ्रू हम गवर्नमेंट के हाई चैनल्स पे जाने का सोच रहे हैं कि अब उसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग हमारे जिम्मे हो, ना कि फूड अथॉरिटी के, कि हम लोग अलाउ करें यहाँ पे प्लांट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। बड़ी इनफॉर्मल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किसी बंदे ने अपने घर के सामने बोर करके बेचना शुरू कर दिया पानी, एंड नोबडी नोज के किस टाइप का वो लोगों को परेशानी हो रही है। तो वी आर ट्रैकिंग डाउन सच इनफॉर्मल डेवलपमेंट्स व्हिच आर हैजर्डस टू द पब्लिक, और वही बात है, बहुत बड़ा पंजाब है, 110 की पॉपुलेशन है मिलियंस की, और मसाइलों का काफ़ी एक मंबा है, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए, अपना तो बंदा काम करे जितना भी कर सकता है, तो इंशाल्लाह यू विल सी रिजल्ट्स। अगले अभी ये कारवां चल पड़ा है, आप आज हमारे साथ मिल गए हैं, कल कोई और हमारे साथ आएंगे, तो हम मिल के इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ जितना भी हम कर सकते हैं अपना हिस्सा दे जाएंगे अपनी जिंदगी में। जी कोई डेढ़ सौ वो भी कंटेमिनेटेड हो गया, तो अब पिछले सात के साथ मेरे कुछ 200 फुट वो तो है वो भी जाता है, लेकिन ये कोई सी व्यापी की उसी के डिस्क्रिप्शन हो गए ताकि वो लोगों को पता चले कि ये टीम के काम कर रहे हैं वो इस तरह का। देखिए थैंक यू, इसका हमने जो पहला स्टेप किया है वो ये है कि हमने पब्लिक की अवेयरनेस को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, टू टेल देम कि किसी भी जगह पानी की क्वालिटी से रिलेटेड ज़रा सा भी डाउट हो और अगर किसी में इस्तेदात है खुद से टेस्ट कराने की, वो हमें उसकी व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीर भेज दें, एंड वी विल गेट बैक विद द सॉल्यूशंस। अगर उस एरिए में ऑलरेडी कोई फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं तो हम उनको गाइड भी कर सकते हैं, उसके बारे में बता भी सकते हैं कि यू कैन बी अश्योर्ड टू गेट वाटर बिकॉज ये पानी यहाँ से ठीक आ रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता हम उसको बिल्कुल गारंटी नहीं करेंगे। जब भी मैं कह रहा था कि हम लोग वैलिडेशन का एक प्रोग्राम शुरू करेंगे, ऑफकोर्स यू विल गेट फी जैसे दूसरे मुल्कों में होती है, तो उससे गारंटीड हो जाएगा आप घर बैठे हुए भी अपने कंप्यूटर से, और कोई ऐसा आदमी जिसको नहीं भी पता वो हमारे ऑफिस फ़ोन करे व्हाट्सएप भेजे, तो ये हम सिलसिला टेक्निकल हेल्प का कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी एक चीज़ आपने बताई कि शैलो जो एक डेप्थ के ऊपर जैसे हैंड पंप्स हैं वो 70-80 फुट के ऊपर जो है वो पानी या 150 तक चले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमने देखा ये है कि जो नीचे की लेयर है बाज़ का इवन कन्फाइंड एक्वीफर भी होते हैं ऊपर नीचे उनके पानी ख़राब होता है अंदर से वो, तो उस उन एरियाज के ऊपर जो है हम लोग कोशिश ये करें कि उस डेप्थ तक लोगों को गाइड करें अगर किसी ने अपना प्राइवेट बोर करवाना है, और अगर किसी अगर हमारी आप विपाक अथॉरिटी ने इवन PC1 में जो आप बात कर रहे थे कि किसी ने प्रपोज किया कि यहाँ पे फलाना फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा एंड वी फाउंड आउट कि यहाँ पे तो 500 या 400 के ऊपर पानी ठीक है, तो वी विल जस्ट कन्वर्ट इट PC1 रिवाइज करेंगे, लेकिन इस गुनाह में तो नहीं शामिल होएंगे कि हम लोग उसको डेवलप कर सके। तो ये गाइडेंस का भी हमारा प्लान है, और सब चीज़ें हमने ऑलरेडी इसी तरह एक 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 करके व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड एज सून एज पॉसिबल। सर मेरा नाम इस्माइल है, मैं बेसिकली रेमियर खान से हूँ, रेमियर खान की तहसील खानपुर से, और हमारे पांच विलेज है वहाँ पे जिनकी पॉपुलेशन 5000 है, वहाँ पे पानी का बहुत इशू है पिछले 25 साल से,
पानी का कलर येलो है और टेस्ट अजीब सा टेस्ट है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बहुत तेजी से फैल रहा है वहाँ पे। खुद मेरी फैमिली के 5 मेंबर जो है उनको भी हेपेटाइटिस हो चुका है। तो ऑलरेडी सुभाष शरीफ के दौर में 2 बार सर्वे हुआ था फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए, तो जमीन भी हमने प्रोवाइड करनी थी, लेकिन अभी तक कोई भी फिल्ट्रेशन प्लांट वहां पे नहीं लगा मेरा ये। और दूसरा सेकंड पॉइंट सर ये है कि हमसे 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चोलिस्तान है, वहां पे लोग वहां पे पौंड बने होते हैं जहां पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, वहां पे जानवर और इंसान एक ही पौंड से पानी पीते हैं। तो आबे पाक अथॉरिटी वहाँ उन एरियाज के लिए क्या काम कर रही है? देखिएगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्राइडे को एक हमारा PC1 अप्रूव हुआ है, इसका थर्सडे को ये जो बोर्स ऑलरेडी हुए हुए ना पिछली आपने गवर्नमेंट का जिक्र किया है, उन वो बोर्स ऑलरेडी बने हुए हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो सर्वेयर आए थे लोगों ने, सोशियोलॉजिस्ट आए हुए थे, उन्होंने आपसे जमीनें पता किया कि आप डोनेट कर सकते हैं, ये हुआ है। अब उसकी चूंकि इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है, अब हमें सिर्फ नेटवर्क बिछाना है और वहाँ पे आबे पाक सेंटर्स बनाने हैं, कोई फिल्टर प्लांट नहीं बनाने, वहाँ से साफ पानी सीधा का सीधा आपके गांव के एक सेंट्रल लोकेशन पे बनेगा। तो वो प्रोजेक्ट अब डिजाइन उसका शुरू होगा, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा क्योंकि अभी परसों तो PC1 अम्बरेला PC1 है, फिर इसकी हम DDSC करवाएंगे डिपार्टमेंट से, फिर साथ ही कंसल्टेंट को रिक्रूट करके और फिर आगे जो टेंडर हो जाएगा उस। बाकी दूसरा आप विपाक अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके रहीम याफा में आपके एरियाज में जो इस वक्त ऑन गोइंग कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो 1200 चल रहे हैं, आई मीन कंस्ट्रक्शन के, क्या आपका गांव या आपका एरिया उसके अंदर आता है? अगर तो आता है तो फिर तो आप वैसे ही स्कून कर लें क्योंकि दैट्स ऑलरेडी यू नो अबाउट टू बी कंप्लीटेड इन अबाउट नेक्स्ट 5 to 6 मंथ, तो ये कर लेते हैं। और इन एडिशन अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी हो, यू कुड फाइंड आउट कि भाई फ्यूचर के PC1 में हमारा गांव आएगा नहीं आएगा, आप वहां पे वेबसाइट पे व्हाट्सएप पे फिर एक मैसेज भेज दें एंड यू विल गेट द आंसर इंशाल्लाह। अब जूम से पूछ लेते हैं मेरा ख्याल है, फिर इसके बाद कंक्लूड करते हैं। कोई और साथी हैं जो हमें देख रहे हैं और उनको कोई क्वेश्चन हो? नहीं, अब यहां से कोई और लास्ट क्वेश्चन? की बात की है और मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को कहते हैं कि आप अपने वाटर क्वालिटी चेक करें तो आप कह रहे हैं कि लोग डर जाते हैं कि हम 100 रुपया नहीं देंगे उनको कि वो हमारी मेंटेनेंस करें यहाँ के जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं। मेरे ख्याल में अगर आप अवेयरनेस देना चाहते हैं तो आज के दौर में अगर आप फेसबुक यूज करते हैं या यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं उसमें अगर आप कॉम्पैक्ट किस्म की 10 सेकंड के अगर एड्स में मुख्तलिफ जगहों पे तो आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई आपका ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप नुकसान के साथ इसको फायदा बताते हैं तो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। सर आपने वो पहला काम आज की इस लेकिन वो क्लिप इसी पर्पस के लिए बना हुआ है 3 मिनट का, तो लोग हैं ना वो स्पेशली किसी अवेयरनेस की, मैंने कहा आप कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटीज में जाएंगे हम लेक्चर्स वगैरह अटेंड जो करेंगे, टू बी ऑनेस्ट कोई इतना वक्त निकाल के नहीं आता क्योंकि हर कोई अपने मोबाइल पे रहा है, जहाँ पे उसको आसानी होती है वो चीज वहाँ पे। अब कोई भी 3 मिनट के वीडियो के लिए क्लिक नहीं करेगा, नहीं आपके व्हाट्सएप पे पहुंच रही है ना वो किसी ना किसी तरीके से, आपने मुझे भेजी मैंने आगे भेजी इस तरह आगे हुई, फिर हमारे डिफरेंट आउटलेट्स हैं जो मैं आपको बता रहा था कि आबे पाक अथॉरिटी का अपना एक वो सेटअप है और अगर आप उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कराएंगे तो यू विल बी पार्ट ऑफ इट। इसका यूट्यूब, इसका फेसबुक, इसका इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें हम डेवलप कर चुके हैं तो उसका आप हिस्सा बने। आपको अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आपको जहन में हो कि जी मैं किस व्हाट्सएप का हिस्सा बनूं कि मुझे रेगुलरली वो आते रहें या फेसबुक पे आते रहें, आप एक छोटा सा मैसेज भेज दें इसकी वेबसाइट पे आपको आ जाएगा। तो फैसिलिटेट तो करने की हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि एक आम बंदा, क्योंकि हर बंदे की एक्सेस में एक मोबाइल फ़ोन तो है ही,
तो वो जिस वक्त भी कोई ऐसा एक अवेयरनेस का कोई मैसेज आता है एक मिनट का, 50 सेकेंड का या 1.5 मिनट का, ही और शी विल कम टू यू। जो जिन इलाकों में बारिश नहीं होती, मैं प्रीमियर खान का फेस आते वाले हूँ, वहाँ पे एक तो हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा सलाइन है, बहुत ज्यादा सलाइन है ग्राउंड वाटर वहाँ, और बारिश भी नहीं होती, और लोगों को पता नहीं अब लोग पानी पी रहे हैं, उनकी आंखों में इरिटेशन होती है, उनकी स्किन जलना स्टार्ट हो जाती है। अब तो इसका हल क्या ना, वहाँ पे बारिश वहाँ पे तो होती नहीं, ग्राउंड वाटर ज्यादा सलाइन हो गया वहाँ पे। बेटा मेरे ख्याल है आपने हमारे पूरे एक 1.5 घंटे के लेक्चर को केयरफुली सुना नहीं है कि वी आर प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ चैनल्स फॉर ईच लेवल ऑफ पब्लिक, ठीक है ना, चाहे वो एक हाउस होल्ड हो या एक कॉर्पोरेट लेवल पे हो या लिटरेट हो या ना हो, तो ये सारी मौके तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आप, लेकिन आपके वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी तो है ना, जो जिनको आपने चूज किस लिए किया था कि वो आपके मसाइल हल करेंगे, तो हो यही राय कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं या वहाँ पे किसी पढ़े लिखे बंदे को, कोई रिटायर्ड उस्ताद है, कोई फौजी है, कोई है, वो कहते हैं कि जी आप आबे पाक अथॉरिटी को ये हमारा मैसेज दे दें, हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, या जिन इलाकों में ऑलरेडी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ पे तो पता चल रहा है कॉन्ट्रेक्टर आया हुआ है, काम शुरू हो गया है, जहाँ पे होने वाला है उसकी भी पूरी की पूरी एक डिटेल्स दी हुई है, तो एक हद तक की इंसान अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है ना। तो आप सोचें कि 100, अभी मैंने बताया कि 11 करोड़ की पॉपुलेशन में जो है वो इतना कैपेसिटी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती कि वो एक इंडिविजुअल लेवल पे जो है, हम तो हत्तुल अमकान कोशिश करते हैं, हमारे पास कोई भी बंदा कोई भी क्वेश्चन पूछता है, बट उधर ईमेल भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वी रिस्पॉन्ड एंड वी ट्राई टू हेल्प। तो थैंक यू सो मच, आई होप के आज की जो सिटिंग है दिस वाज क्वाइट यूजफुल फॉर यू, और थैंक यू फॉर द आईईपी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, और मैं जलील साहब का तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, ही वाज द वन हु पुश्ड मी टू कम हियर एंड आई एम सो ग्लैड ही डिड एंड आई वाज एबल टू कम्युनिकेट विद यू। इंशाल्लाह ताला आई थिंक अल्लाह ताला ने अगर हमें जिंदगी रखी हम सब की, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला कुछ करके जाएंगे और करते रहेंगे, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे अपनी नई जनरेशन को, हम एजुकेट करते रहेंगे। और आखिरी मेरी बात यह है कि हेल्प मी दैट कहीं पे भी कोई आबे पाक अथॉरिटी का कोई भी काम चल रहा हो और आपके नोटिस में कुछ भी आए कि यहाँ पे कोई वो हो रही है कुछ गवर्नेंस, तो आप हमें इतला कीजिएगा, क्योंकि इसको हम लोग ऐसी मिसाली ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं कि हम फख्र से कहें कि हमारे मुल्क में ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उनमें से एक आबे पाक अथॉरिटी है दैट इज नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बड़ा इन्फ्लुएंशियल लेक्चर था आपका, बहुत शुक्रिया। अनलकीली हमारे प्रेसिडेंट साहब आउट ऑफ कंट्री है, तो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब आउट ऑफ सिटी है, तो लकीली हमारे एक जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, एक टीवी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर मलिक सईद, मलिक श्रीमोला सईद, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए। Assalamu alaikum everybody. Dr. Saab, it was really a wonderful experience to have this informative session. और उससे ज्यादा जो मुझे खुशी हुई कि जो डायरेक्शन आपने आबे पाक पानी ने दी है आपके विजन के अंदर, that's wonderful. That was the required. मैं 30 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, and since 2003 ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोजेक्ट है, it started from
हम शरफ रजीम जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे हॉस्पिटल्स के लिए लोन देना था और इट्स 2003 उस वक्त उन्होंने सर्वे किया कि हम पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स का सर्वे करते हैं और देखते हैं कि हमने इनको लोन किन एरियाज में देना है। तो उस सर्वे में दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एज वेल, उसमें यह था जो हमारे हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपेंसी है उसमें 80% प्लस इज ड्यू टू वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो दैट वाज द टाइम व्हेन दिस प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक कि हम अपने बेड की ऑक्यूपेंसी को अगर हम वाटर बॉर्न डिजीजेस से खत्म कर लेते हैं तो उससे हमें काफी इसका फायदा होगा। तो दैट्स हाउ दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड और फिर 18th अमेंडमेंट आई और फिर वेरियस फ्रंट। असल में मैं अभी भी सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू हैव अ वेरी गुड विजन एंड यू हैव दैट आप जो इन्फ्लुएंस है आपका एरियाज में गवर्नमेंट में, आपको एक चीज रियलाइज करनी है जिस तरह अभी आपने खुद फरमाया कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से भी प्रॉब्लम। आप ये चीज कम्युनिकेट करें कि हमें एक आरओ प्लांट के ऊपर एटलीस्ट वी हैव द टू मिनिमम ऑपरेटर्स और इंजीनियर्स इवन वी कैन हायर। इट मींस कि अगर आप 15,000 इस साल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो यू कैन क्रिएट मिनिमम 30,000 अपॉर्चुनिटीज इन पंजाब फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर्स। तो हम इन चीजों को देखें। दूसरा, पाकिस्तान में आप देखें हम पावर की बात करते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सब चीजों को जब हम देखते हैं तो पानी भी तो हमारा एक की पैरामीटर है। हम कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है, शायद बिजली के बगैर तो लोग रह रहे हो, पानी के बगैर कोई नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ ना वाटर एकेडमी है ना वाटर इंस्टीट्यूट है, कोई आप वाली बात कि सबको पहले आरओ प्लांट का एक नाम पता लग गया था इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें प्रॉब्लम क्या है। हमारा आर्सेनिक का प्रॉब्लम है, फ्लोराइड का है, हमारा आयरन का प्रॉब्लम है, हमारा नाइट्रेट का प्रॉब्लम है, हमारा बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम उस पर काम करते रहे और उसमें सारे एक कहते ना जी कि यूनिवर्सल सॉल्यूशन दे दिया कि जी कि सैंड फिल्टर भी लगा दें, एक्टिवेटेड भी लगा दें, आर्सेनिक रिमूवल भी लगा दें और ये कंप्लीट पैकेज है बस आप लगा दें। एंड रियली ग्लैड टू नो दैट कि आप लोगों ने वो आइडेंटिफाई किया है उस पोटेंशियल्स को के जी के कौन कौन सी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशन दे रहे हैं। वी स्टैंड विद यू सर, जो हमारे पास नॉलेज है इंटरनेशनल एक्सपोजर से भी लोकल से, आपकी टीम को आबे पाक की कोई ट्रेनिंग चाहिए डिजाइन पे चाहिए, आपके कंसल्टेंट को चाहिए, आपको टेक्निकल वैल्यूएशन में चाहिए, आपको फॉरेन कंपनीज के साथ कोई एक्सपोजर चाहिए, हम वो भी ट्रेनिंग अरेंज कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके जितने भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की ट्रेनिंग्स हैं लोगों की वो भी हम आपको ऑन जॉब भी दे सकते हैं। हमारे इतने प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं हर सिटी में, 30-40-50 हर सिटी में प्लांट लगे हुए हैं, बड़े लगे हुए हैं। हम तो यहाँ पे 5-10,000 गैलन पर डे का प्लांट लगा रहे होते हैं लेकिन वी कैन गिव देम द ट्रेनिंग ऑन 5 million गैलन 1 million गैलन पर डे प्रोजेक्ट्स एंड दैट बी गुड लर्निंग फॉर देम एंड वी स्टैंड विद यू एंड वी आर कमिटेड टू सर्व आवर नेशन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, वंस अगेन वी विश यू गुड लक। थैंक यू। डॉक्टर साहब के साथ साथ हम एक और पर्सनैलिटी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो डॉक्टर साहब को लेकर आए, जीनी जलील अख्तर। वो शायद आपके बड़े भाई जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना इंफॉर्मेटिव लेक्चर डिलीवर किया, आपके बहुत शुक्रिया, सब लोगों का बहुत शुक्रिया आप चीफ लाए। तो अब हाई टी का अरेंजमेंट है हमारे सेकंड फ्लोर में, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऊपर चीफ लाए। थैंक यू वेरी मच।